फरुखाबाद किसान जन जागरण अभियान को धार देने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने नुक्कड़ सभा को संबोधित कर किसानों की दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की है। मुस्लिम बाहुल्य गांव महमूदपुर अचला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान जन जागरण अभियान 70 जिलों के 8,220 ब्लॉकों के सभी गांवों में चलाया जा रहा है। इस दौरान किसानों से उनकी समस्याओं के प्रपत्र भराए जाते हैं। किसानों से प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल किया, आप में से कितने लोग हैं जो रात में खेतों में पहरा लगा रहे हैं? 3 वर्ष पहले छुट्टा जानवरों की समस्या नहीं थी, भाजपा सरकार ने किसानों को चौकीदार बना दिया है। किसानों की आय 9.2% से घटकर 3.1% रह गई है। घरेलू बिजली का बिल 200 से बढ़ाकर 1,000 रुपए हो गया है। 300 से 400 रुपए आने वाला नलकूप का बिल अब 2,000 रुपए हो गया है। आप सभी किसान लोग अपनी समस्याओं को हमें लिखकर दें। आप सभी की समस्याओं को तहसील दिवस में रखा जाएगा। यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 3 मार्च को तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फिर भी समाधान न हुआ तो 6 मार्च को छुट्टा जानवर लेकर वो लोग कलेक्ट्रेट जाएंगे। उसके बाद यदि समाधान नहीं हुआ तो 17 मार्च को सभी छुट्टा जानवरों को मुख्यमंत्री के आवास पर ले जाया जाएगा, चाहे वहाँ गोली चले या फिर लाठी। छुट्टा जानवर सीएम योगी के हैं, उन्हीं के पास उनको सुपुर्द किए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप 1 कदम चलें, कांग्रेस कार्यकर्ता 100 कदम चलेगा, लाठी डंडे खाएगा, जेल जाएगा और आपकी लड़ाई लड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने किसान आयोग गठित करने की मांग की। किसान जन जागरण अभियान के अंतर्गत आज इस फरुखाबाद के यहाँ स्थित कमालगंज ब्लॉक के इस ग्राम सभा में मैं आया था, जिसके अंतर्गत मैं यहाँ मिलकर किसानों से उनकी समस्या को सुनने का काम किया। बगल के कन्नौज जिले में भी मैं गया था। निश्चित रूप से अब तक मैंने लगभग 40 से 41 जिलों का भ्रमण किया है। उत्तर प्रदेश का किसान आज हताश और निराश है, आत्महत्या करने पर विवश है। किसान से जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि हम आपकी आय को दोगुना करेंगे, किसानों के साथ धोखा करने का काम इस सरकार ने किया। आवारा पशु उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, जहां आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए सरकार को कोई इंतजाम करनी चाहिए थी, कोई योजना बनानी चाहिए थी। इस सरकार ने आवारा पशुओं के लिए कोई योजना बनाने का काम नहीं किया है। दिन रात किसान अपने खेतों की पारदारी कर रहा है, गन्ने का दाम नहीं, गन्ने का बकाया भुगतान नहीं, धान क्रय केंद्रों पर धान प्रदेशों में नहीं खरीदे जा रहे हैं, साथ ही साथ बिजली के इतने बिल बढ़ गए हैं कि किसान पूरी तरह परेशान है। 350 रुपए के बिजली का बिल आता था, आज 2,200 रुपया लोगों के बिजली का बिल आ रहा है। निश्चित रूप से इस सरकार ने किसानों का, गरीबों का जीना मुहाल करने का काम किया है। हमारी यह मांग है कि अविलंब सरकार किसान आयोग का गठन करे, साथ ही साथ धान के दाम 2,500 रुपया कुंटल करे, आवारा पशुओं से निजात दिलाने की समुचित व्यवस्था करे, गांव-गांव गौशाला खोले और जो लोग अपने फसलों की रात दिन पारदारी कर रहे हैं उन्हें भत्ता की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम करे, गन्ने का 400 रुपया कुंटल रेट निर्धारित करे, आलू का सही दाम निर्धारण करे, प्रोसेसिंग प्लांट बनाने का काम करे और साथ ही साथ इन किसानों के समुचित आय की व्यवस्था को करने का काम करे। इन्हीं मांगों के साथ हम सब लोग इस आंदोलन के हिस्सा बने हैं। निश्चित रूप से किसानों का अपार समर्थन है। अगर 3 तारीख के पहले तक इनकी समस्या का समाधान इस सरकार ने नहीं किया, 3 को तहसील घेरेंगे, 6 को जिला मुख्यालय घेरेंगे और अगर 6 तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 17 को विधानसभा भी घेरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। लाइन ऑर्डर के हिसाब से चल रहा है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के गांव घर के बगल में गोरखनाथ थाना, जो उनके मठ के बगल का थाना है, उसी थाने के अंतर्गत उनका मठ भी पड़ता है, वहीं 2 पुलिसकर्मियों द्वारा एक लड़की के साथ, दलित लड़की के साथ बलात्कार करना, नोएडा में हत्या होना, लखनऊ में हत्या होना और दलितों के ऊपर कानपुर देहात में अत्याचार होना, निश्चित रूप से इस सरकार के
पूरे कानून व्यवस्था के चेहरे को उजागर करने का काम कर रहा है। ये सरकार पूरी तरह जंगल राज में तब्दील हो चुका, उत्तर प्रदेश में अराजकता का बोलबाला है, अपराधी बेलकाम हो चुके हैं, कब किसकी हत्या हो जाएगी कोई सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की अस्मिता सुरक्षित नहीं है, इस प्रदेश में जंगल राज है। कांग्रेस पार्टी ने कल भी विधानसभा में मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाया था और निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के इस सवाल पर इस सदन को सरकार को घेरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और सड़क पर भी मजबूती के साथ लड़ने का।